ऐसे को हमने जमा लिए कन्या और सब कुछ जा रही है किसी और घर पे होगी। अरे डॉली तरह चप्पल नहीं ले जा, पानी डॉली तरह भाई डाली डाली देखो कैसा लगा आप लोगों को गिफ्ट मिल गए। हाँ। अच्छा लगा, जाओ चलो वहाँ जाओ, ठीक से ना साइकिल जाना। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सबका स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। मैं हूँ सुलाली और मैं आप लोगों का वो स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज है रामनवमी, तो रामनवमी के उपलक्ष पे आप सबको रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आज है हमारा नवा नवरात्र का व्रत भी, तो आज हम अपना उपवास खोल चुके हैं और अभी सबका वेट कर रहे हैं बिकॉज मम्मी लोग खेत में जा रहे हैं हमारे, क्योंकि गेहूँ कट चुके हैं तो आज हम गेहूँ सारेंगे उसके मारेंगे भी। तो हमने तो घर में उपवास वगैरह खोला करने जमाई, लेकिन मम्मी लोग खेत में तो उनको बुलाते हैं, फिर सबके साथ आते बैठ के नाश्ता करेंगे और आधी भी घर पर आ रखा है तो आपको आधी मिलाती दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले अपना फास्ट खोलती हूँ और कुछ खाना खाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बना रखा है। तो चलिए फिर, तो हमारी कन्या घर पे आ चुकी थी, हमने उनकी पूजा वजह करके उनको कन्या जमाई और दोस्तों उस टाइम में ब्लॉग नहीं कर पाई बिकॉज बहुत ज्यादा बिजी हो गए थे। तो अब उसके बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ, ठीक है, आप लोग इसका आनंद ही लीजिए और मुझे कॉमेंट में जरूर बताना आप लोगों को कैसा लगा। और ये हम कल मार्केट से कुछ गिफ्ट्स लेके आए थे अपनी कन्याओं के लिए ताकि उनको खूब ज्यादा पसंद आए सारे गिफ्ट्स। तो देखते हैं उनका रिएक्शन को कैसा लगता है, तो फिर चलिए पूछते हैं उन्हीं से उनको कैसे लगे गिफ्ट्स, ठीक है। प्रसाद मिल गया, तुम्हें प्रसाद मिल गया, खाना कैसा आ रहा था बताओ। अभी हमने तुम्हारे बहुत सारे गिफ्ट्स ला रखे, ठीक है, तुम्हें वो दिखाएंगे। चलो कन्या को देना पन की पानी उड़ा ले पानी दादी को, दादी देखो। और ये देखो दादी जी प्रसाद बांटती नहीं बच्चों को, ओ तेरी मेरी माया भागी। तेरी तेड़ों की छपा तेरी छबरी बाजी छम मेरे छूट गए थे मेरी वीडियो बन रही है। ये देखो ये मेरी पेंसिल, पेंसिल का क्या करेंगे इससे लिखेंगे। और यहाँ पे अरे लेफ्ट में नहीं बांधना था, राइट में बांधना था। और यहाँ पे बहुत खतरनाक डिस्कशन हो रहा है। ये देखो ये चप्पल नहीं पहन पा रही, हेलो मम्मी मम्मी इन सबकी दादी। हाँ वो अलग बात है, बाल बाल अभी व्हाइट नहीं है, बाल तो अभी यहाँ पे दो बंदर आ चुके हैं। ओए भाई इधर देखो, इधर देखो ये दो, इधर देखो ये दो बहुत ही खतरनाक। ओए इधर आ, वीडियो चल रही है। ओए इधर आ भाई, हल्ला बचा रखा उन्होंने यार, पता नहीं यार ऐसे को हमने जमा लिए कन्या और सब कुछ जा रही है किसी और के घर पे होगी। अरे डॉली तरह चप्पल नहीं ले जा, डॉली तरह
सकती हूँ। भाई डाली डाली कर देखो, कैसा लगा आप लोगों को गिफ्ट मिल के? अच्छा लगा। जाओ चलो वहाँ जाओ, ठीक है ना। तो अभी हमने कन्या वगैरह जमा, इनको सबको प्रसाद वगैरह खिला के घर भेज दिया। अभी हम अपना फास्ट खोलेंगे। तो ठीक है गाइस, आपको ले आती हूँ मैं किचन में, आपको दिखा दिया जाने क्या क्या बना रखा है फास्ट के लिए। अभी ना मेरे को तो बहुत जोर से भूख लग रही है, बिकॉज कल से कुछ भी नहीं खा रखा है। तो चलो गाइस चलते हैं किचन में और देखते हैं आज मैंने क्या क्या बना रखा है, आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है तो लेट्स गो। तो देखो गाइस, रूबी को रूबी अपना फास्ट तोड़ रही है और वो खाना खाने के लिए बैठ गई है। तो आज देखो गाइस, हमने बना रखा है काले चने विद हलवा, थोड़ी सी खीर, थोड़ी सी कद्दू की सब्जी एंड विद पूरी। ठीक है तो रूबी तो खा रही है खाना, मुझे भी उसको देख के बहुत ज्यादा भूख लग रही है गाइस। मैं अपना फास्ट खोल रही हूँ, तो चलिए गाइस आपको मिलते हैं थोड़ी सी देर में। दिन में नवरात्र का व्रत पूरा करने के बाद हम सो गए थे। दिन में आराम किया था क्योंकि बहुत ज्यादा थक लग गई थी दोस्तों। उसके बाद हमने शाम को गेहूं मांडे अपने, उसके बाद तो और ज्यादा थकान लग गई थी। फिर रात को खाना हमारा थोड़ा देरी से हुआ, तो भजन में आते आते हमें काफी देर लग गई थी। तो अभी हम पहुंच गए हैं मोदी चाचा के घर पे, जहाँ पे भजन हो रहा है। तो फिर अब आगे का ब्लॉग शुरू करते हैं, आप लोग उसका आनंद लीजिए। तो अभी रात के बज रहे हैं 11 और आज रात को मोदी चाचा के घर में कीर्तन थे, क्योंकि उनके घर में गृह प्रवेश का पाठ हो रहा था। तो हम आपको अब कीर्तन सुनने आ गए। और दोस्तों देखो, यहाँ पे हम एंजॉय कर रहे हैं, कीर्तन मंडली कीर्तन भजन गा रही हैं और उनके साथ हम आनंद ले रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे साथ में बैठ रहे हैं मोनी चाचा, मेरी मम्मी बैठी हुई है साथ में, रूबी भी है, आदि भी है। आदि ने बोला मैं भी आऊँगा, मैं घर में बोर हो रहा हूँ, तो हम उसको भी अपने साथ में ले आए। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे बाकी फैमिली मेम्बर्स भी बैठे हुए हैं और बाकी औरतें जो हैं वो कीर्तन मंडली की महिलाएँ हैं, सबके सब अपना कीर्तन भजन का आनंद ले रही हैं। और यहाँ पे देखिए मेरी मम्मी को डांस कर रही थी, ऐसे लग रही डांस कर रही हैं और मम्मी को बहुत मन कर रहा था डांस करने को। देखिए आज हमारे गेहूं भी मंड गए थे, तो मम्मी सारी थकान दूर कर रही थी डांस कर करके। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये घर एकदम नया बना हुआ है। ये हमारे अरुणा जी का घर बना हुआ है नया, जिसके घर में गृह प्रवेश का पाठ हो रहा है। तो आप देख ही सकते हैं, साथ साथ में आप डांस भी देखो और साथ में आप घर भी देख सकते हो, जो नया नवेला घर कितना सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, आप लोगों को मिलेंगे हम अपने दूसरे ब्लॉग में। आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आप में से कोई अगर चैनल पर नया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। 2K सब्सक्राइबर बहुत जल्दी कंप्लीट करने हैं, सो प्लीज गाइस सपोर्ट मी इन दिस एंड थैंक्स फॉर टुडेज वॉचिंग माई ब्लॉग।